जय हिंद फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को हम आज के वीडियो से समझेंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्युत अभियांत्रिकी में। तो चलिए आज ऑसिलोस्कोप के बारे में हम जानते हैं। फ्रेंड्स, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का सबसे पहले इन्वेंशन जर्मन साइंटिस्ट ने 1897 में किया था। उन जर्मन साइंटिस्ट का नाम था कार्ल फ्रेडरिक ब्राउन, और इसका यूज लेबोरेटरीज में करंट के मेजरमेंट के लिए, वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए और फ्रीक्वेंसी के मेजरमेंट के लिए किया जाता है। अदर टाइम वेरिंग क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए भी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का यूज किया जाता है। एक्चुअल में ये कैसा दिखता है ये आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो हम इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले इसके ब्लॉक डायग्राम को समझेंगे। इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। जैसा कि आप इस ब्लॉक डायग्राम में देख रहे होंगे कि इसमें एक ट्यूब है, बेसिकली एक कैथोड रे ट्यूब है जिसे वैक्यूम्ड किया होता है। इसका मेन फंक्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट करने का होता है। फ्रेंड्स, ये कैथोड रे ट्यूब मेनली इलेक्ट्रॉन गन और दो डिफ्लेक्शन प्लेट्स, जो कि एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल प्लेट होती है। यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन गन है ये एक फोकस्ड बीम को हाई फ्रिक्वेंसी पर प्रोड्यूस करती है, और डिफ्लेक्शन प्लेट्स इस बीम को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एज ए रिक्वायरमेंट मूव करती है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आपको इलेक्ट्रॉन गन की असेंबली दिखाई दे रही होगी। ये सीआरओ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करके एक फोकस्ड बीम में कन्वर्ट करती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रॉन गन मेनली एक हीटर, कैथोड, ग्रिड और एक प्री एक्सीलरेटिंग एनोड और फोकसिंग एनोड से मिलकर बनी होती है। फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रॉन गन मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब कि सामान्य तापमान पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर सके, तो इसके लिए कैथोड के एंड पॉइंट्स को बेरियम और स्ट्रोंटियम की लेयर लगा दी जाती है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन्स के प्रोड्यूस होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल ग्रिड में एंटर करते हैं। यहां पर ये कंट्रोल ग्रिड प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी को कंट्रोल करती है। फ्रेंड, इसका थर्ड पार्ट है डिफ्लेक्टिंग प्लेट। यहां पर डिफ्लेक्टिंग प्लेट का काम बीम को सीआरओ के डिस्प्ले पर एक्स और वाई एक्सिस पर एडजस्ट करने का होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। इस स्क्रीन को सीआरओ की फेस प्लेट भी कहते हैं, जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली 100x100 mm का होता है। ये साइज सीआरओ के फिजिकल साइज के साथ भी वेरी कर जाता है। अगर सीआरओ का साइज ज्यादा है तो ये स्क्रीन का साइज भी ज्यादा हो जाता है। इस फेस प्लेट की इनसाइड सरफेस को फॉस्फर के साथ कोटेड किया जाता है। ये जो फेस प्लेट की इनसाइड सरफेस है इसको फॉस्फर के साथ कोटेड किया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन बीम को देखा जा सके। फ्रेंड, इस पूरी असेंबली को एक ग्लास एनवलप में रखा जाता है, जो कि हाईली इवेक्यूटेड कॉनिकल शेप की होती है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में टॉर्च की शेप में दिखाई दे रही होगी। थोड़ा बहुत इसकी बात कर रहा हूं मैं। फ्रेंड्स, इस ग्लास ट्यूब की इनर सरफेस की कंडक्टिंग मटेरियल से भी कोटिंग की जाती है, जो कि एक्वाडेक मटेरियल होता है। फ्रेंड्स, ये एक्वाडेक मटेरियल क्या होता है अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा, नहीं तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में ही, मैं उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि इस कोटिंग को क्यों किया जाता है। एक्चुअल में इस ग्लास ट्यूब की इनर सरफेस पर इस कोटिंग को किया जाता है। फ्रेंड्स, इसकी कोटिंग सरफेस को प्री एक्सीलरेटिंग एनोड के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन बीम को डिस्प्ले पर फोकस किया जा सके। यहां पर प्री एक्सीलरेटिंग एनोड का काम इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने का है। अब इस ब्लॉक डायग्राम में एक वर्टिकल एम्पलीफायर है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसका फंक्शन उस इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है जिसे कैथोड रे ट्यूब की स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। इसके बाद इनपुट सिग्नल के कुछ अमाउंट को डिले करने के लिए डिले लाइन सिस्टम लगा होता है, जिसे आगे जाकर वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर अप्लाई कर दिया जाता है।
फ्रेंड्स यहां पर आप देख रहे होंगे कि इनपुट सिग्नल को वर्टिकल एम्पलीफायर से निकलने के बाद इस एम्पलीफाइड सिग्नल को ट्रिगर सर्किट में भेजा जाता है, जिसका काम ट्रिगरिंग सिग्नल को प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रॉन बीम की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन को सिंक्रोनाइज करने का होता है। इस ब्लॉक डायग्राम में आप टाइम बेस्ड जनरेटर भी देख रहे होंगे, जिसका फंक्शन सॉटूथ सिग्नल प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में भेजने का होता है। यहां पर इस सॉटूथ सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है। इस ऑसिलोस्कोप में आपको ब्लॉक डायग्राम में एक पावर सप्लाई भी दिख रही होगी। ये जो पावर सप्लाई है ये हाई और लो वोल्टेज प्रोड्यूस करती है। यहां हाई वोल्टेज को कैथोड रे ट्यूब पर अप्लाई किया जाता है और लो वोल्टेज को ऑसिलोस्कोप के रिमेनिंग सर्किट, जो कि वर्टिकल एम्पलीफायर, ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस्ड जनरेटर है, इन पर अप्लाई किया जाता है। फ्रेंड्स आपको इस ब्लॉक डायग्राम से इसके वेरियस पार्ट्स और इसके फंक्शन समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की वर्किंग की, ये बेसिकली वर्क कैसे करता है। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में एक इलेक्ट्रिक गन होती है, जिसका काम इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है। इलेक्ट्रॉन को एमिट करना मतलब कि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना है। एक बार इलेक्ट्रिक गन से इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, इसके बाद ये कंट्रोल ग्रिड में चले जाते हैं। कंट्रोल ग्रिड का काम इन इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने का होता है, जो कि जो ये वैक्यूम ट्यूब है इसमें जो इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो होंगे उनकी इंटेंसिटी को इसको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल ग्रिड करती है। ये जो कंट्रोल ग्रिड है इसका पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अगर कंट्रोल ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल हाई है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को कम से कम पास होने देगी और आगे स्क्रीन पे एक डिम स्पॉट को क्रिएट करेगी। अगर इस कंट्रोल ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल लो है तो ये इलेक्ट्रॉन को वैक्यूम ट्यूब से ज्यादा पास होने देगी, जिसकी वजह से हमें डिस्प्ले पे हाई इंटेंसिटी का स्पॉट दिखाई देगा। मतलब कि समझने वाली बात यह है कि यहां पे कंट्रोल ग्रिड का काम इस इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने का होता है। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी कंट्रोल ग्रिड से एक बार कंट्रोल हो गई, उसके बाद इसे प्री एक्सीलरेटिंग एनोड पर भेज दिया जाता है। यहां पर ये प्री एक्सीलरेटिंग एनोड एक तरीके से पॉजिटिव एनोड होता है, जिसका काम पीछे से आए हुए इलेक्ट्रॉन, जो कि कहां से आए, कंट्रोल ग्रिड से आए हुए इलेक्ट्रॉन बीम को रिप्रेजेंट करना होता है। कहां पे, डिस्प्ले पे, उसे कंसंट्रेट करके जिसको सारे इलेक्ट्रॉन्स को कंसंट्रेट करके आपका ये डिस्प्ले पे रिप्रेजेंट करके देती है। यहां पे आपकी डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स भी लगी हुई हैं, यहां पे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगी हुई है, जिसका कि जनरली हम जो वोल्टेज है उसमें वो हम जीरो रखते हैं। जब इसका वोल्टेज यानी कि डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का वोल्टेज या पोटेंशियल बोल दो, अगर वो जीरो है तो वहां पे जो आपको डिस्प्ले पे एक इलेक्ट्रिक बीम दिखाई देगी, वो जो स्पॉट दिखाई देगा वो स्क्रीन के सेंटर पे दिखाई देगा। अगर इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में कुछ वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन बीम का स्पॉट डिपेंड करेगा कितना वोल्टेज अप्लाई किया है हॉरिजॉन्टल और डिफ्लेक्टिंग प्लेट पर, उस हिसाब से मूवमेंट करेगा। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा हो गया इन कंपैरिजन ऑफ वर्टिकल प्लेट के, तो जो आपका इलेक्ट्रिक बीम का स्पॉट है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो आपका दिखाई देगा। और अगर वर्टिकल प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा हो गया तो वहां पर आपको ये वर्टिकल एक्सिस पे आपको इसका स्पॉट दिखाई देगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वर्क कैसे करता है। इसका ब्लॉक डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा, कंस्ट्रक्शन भी मैंने आपको इसका बता दिया, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको थोड़ा बहुत इसका समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप आपको समझ में आया, इसका ब्लॉक डायग्राम आपको समझ में आया, इसकी वर्किंग आपको समझ में आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन पे दे दीजिए। इससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं वीडियो बनाऊं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद विद्युत अभियांत्रिकी।